टीका। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार में कोरोना का टीकाकरण मुफ्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में जो भी टीकाकरण किया जाएगा उसकी सुविधा भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा परिसर में सोमवार को पत्रकारों से बात करी। यूपी में 11 माह बाद खुले स्कूल, मुख्यमंत्री योगी ने लिया जायजा। यूपी में कोरोना के कारण 11 माह से बंद चल रहे स्कूल जब सोमवार को बच्चे पहुंचे तो अपने दोस्तों से मिलकर चहक उठे। स्कूलों ने भी बच्चों का स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। कई स्कूलों में केक काटा गया तो कई जगहों पर बच्चों पर पुष्प वर्षा की गई। कक्षाओं को गुब्बारों से सजाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नरही स्थित सरकारी स्कूल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया और थर्मल स्कैनिंग व मास्क को ठीक से पहनने के बाद ही उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। ध्यान रखा गया कि सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही बैठे। नायडू को हिरासत में लिए जाने के बाद तिरुपति हवाई अड्डे पर हंगामा। तिरुपति के पास नैनीगुंडा हवाई अड्डे पर सोमवार को इस वक्त बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया जब पुलिस ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में ले लिया। नायडू चित्र जिले में चुनाव प्रचार के अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया, क्योंकि पुलिस का कहना है कि यदि वह नायडू को जाने देते हैं तो इससे निकाय चुनाव के प्रभावित होने की संभावना बनी रह सकती है। इस बात पर पुलिस संग नायडू बहस भी करते नजर आए और तो और आगे बढ़ने ना दिए जाने पर वह वहीं फर्श पर बैठ गए। जल्द शुरू होगा राजस्थान के लिए राज्य का शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान में कुछ समय से टुकड़ों में बटी नजर आ रही भाजपा में अब कुछ उबाल आते नजर आ सकता है, क्योंकि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 8 मार्च से अपनी धार्मिक यात्रा शुरू करने जा रही है। 8 मार्च को राज्य का जन्मदिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। यह यात्रा राज्य के कृष्ण मंदिरों से होकर गुजरेगी। अगले हफ्ते शुरू होने जा रही यात्रा से पहले रविवार को राज्य ने शहर के गोविंद देव मंदिर और काले हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ आए समर्थकों ने केसरिया मतलब हरा भरा, राजस्थान मतलब वसुंधरा जैसे नारे लगाए। देश में 15.5 हजार नए मामले दर्ज, कुल मामले 1.11 करोड़ के पार। देश में रोजाना दर्ज हो रहे कोरोना वायरस मामलों की संख्या पिछले दो हफ्तों से चिंताजनक बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में एक दिन में 15,510 नए मामले दर्ज होने के बाद कुल मामलों की संख्या 1,11,12,241 पर पहुंच गई है। वहीं 106 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 157,157 हो गई है। देश में मामलों के पॉजिटिव आने की दर भी धीरे धीरे बढ़कर 1.52% हो गई है। वहीं इसी अवधि में 11,288 लोगों को डिस्चार्ज करने के बाद अब देश में कोरोना वायरस के 1,68,627 सक्रिय मामले हैं। अब तक डिस्चार्ज हुए लोगों की कुल संख्या 1,07,86,757 है। वहीं रिकवरी दर